अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुस्लिम समाज में 90% शादियां बिना नाच गाने व बैंड बाजे के संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि शरीयत में नाच गाने व गीत संगीत की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। बावजूद इसके, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मानो बिना गीत संगीत के शादी फलेगा ही नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति या मौलवी मौलाना नाच गाने के लिए मना भी करता है तो लोग उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। मौजूदा समय में जिस तरह से ढोल मजीरों का रिवाज चल रहा है, उसके खिलाफ सख्ती से आवाज उठाने की जरूरत है, और ये आवाज जागरूक मुस्लिम व खासकर शादियों में निकाह पढ़ाने वाले काजी की तरफ से होनी चाहिए। अगर शादियों में वे इस तरह से बदहुर्मती देखते हैं तो उन्हें निकाह पढ़ाने से साफ मना कर देना चाहिए, मगर इस मामले में अधिकतर काजी हजरात बेबस पाए जा रहे हैं, कुछ बोलने से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं। मगर आज भी कुछ ऐसे काजी हजरात हैं जो इस खुराफात का जमकर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से शादी का एक वीडियो हमारे पास आई है, जिसमें एक काजी साहब ने नाच गाने का जमकर विरोध किया है, साथ ही निकाह पढ़ाने से भी साफ मना कर दिया है। इस वीडियो में काजी साहब ने इस तरह की बदहुर्मती करने वाले लोगों पर किस तरह फटकार लगाई है, आइए देखते हैं। कानून शरीयत का आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो, कुरान का मजाक उड़ा रहे हो। आप लोगों ने जिस कदर ज्यादती की है हमारे गांव के अंदर की, जितनी मेहनत की बर्बाद कर दी। आप लोगों को जितनी इज्जत दी हम लोगों ने, पहले से मना किया, पहले दिन से मना किया गया था, आप लोग नहीं माने। आप लोगों ने शरीयत का मजाक उड़ाया। तौबा कीजिए, माफी मांगिए। आप लोग खड़े होकर तब आगे काम होगा, वरना नहीं होगा, वरना हम कतई ना मरने का निकाल। चलो ऊपर आओ सब लोग, चलो दो चार मिनट, चलो ऊपर। क्या बगैर बाजे के, बगैर नाच के शादी नहीं होती क्या? जिम्मेदार है, माफी मांगे, तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में क्या हम जिम्मेवार आदमी, बुजुर्ग आदमी से कर, हमसे नहीं हाथ जोड़ो। आप तो रब की बारगाह में तौबा करो, हम माफी चाह, मौला हमें गुनाह, हम इस गुनाह से माफ फरमा दे। हमसे गलती हुई है, हम अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं, आप सब लोग भी हमें माफ फरमा। हम काजी जी के सामने इसकी जो है माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हुई है, जास्ती हुई है, अल्लाह से माफ करो, अल्लाह से माफी मांगो। ये सब बोलो ठीक है इमाम साहब, मांग लो भैया। हाँ मांगी आपने और सबने, रब से कहिए कि मौला हमें अब आइंदा इससे बचने की तौफीक दे। आमीन आमीन। हर जगह इस्लाम की कवानी, आप सारी दुनिया में देख रहे हो आपकी क्या हालत हो रही है, आप शरीयत को ठुकरा रहे हो, इसीलिए तो ये हर जगह मारे पीटे जा रहे हैं। जी जी बेशक। आज शरीयत के कानून को आपने, इस्लाम के कानून को बिल्कुल पामाल करके रख दिया, इसलिए सारी दुनिया में जलील खार हो रहा है। जितना मना किया जाता है आप लोग नहीं मानते। ऐसी Thank you.